रूसी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला हो गया है। रोस्तोव में बिल्डिंग पर वैगनर का कब्जा, इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कर रहे थे कि किस तरीके के हालात अब बन गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत वैगनर ग्रुप लेकर के आ गया है पुतिन के लिए। रोस्तोव की सड़कों पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का कब्जा, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से नीचे उतर रहे हैं वैगनर लड़ाके। रोस्तोव पर एक तरीके से समझो तो कब्जा कर लिया है वैगनर ग्रुप के इन लड़ाकों ने, हथियार है इनके पास, और एक बिल्डिंग पर भी बताया जा रहा है कि हमला किया गया है। साथ ही अभी तक दो रूसी हेलीकॉप्टर को आसमान में मार गिराया है वैगनर लड़ाकों ने, और खुद इस बात की जानकारी वैगनर श्री प्रिगोजिन ने दी है। तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालात कैसे बदल रहे हैं। हमारे साथ यूएस राठौर सर जुड़े हुए हैं। राठौर सर, यहां हम बात कर रहे थे कि एक पूरी सप्लाई चेन जो है वो अब डिसरप्ट हो चुकी है, ये मान लिया जाए। जो वॉर फ्रंट पे रूस की तरफ से एक सप्लाई का प्रोसेस था, रोस्तोव उसमें बीच में था, वो अब ब्लॉक हो गया। जितनी लंबी लड़ाई रोस्तोव की होगी उतना ज्यादा ब्लॉकेट बना रहेगा, यानी उतना ज्यादा फायदा क्या यूक्रेन को मिलेगा अपने आप को रिवाइव करने के लिए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करना चाहेंगे? देखिए रवि, वैगनर ग्रुप एक ग्रुप है हार्डेंड फाइटर्स का, जो अभी बखमुत में, सोलेडार में, मारियोपोल में लड़के निकला है। इनको जान देने में प्रॉब्लम नहीं है, दे आर बैटल हार्डेंड पीपल। अगर उन्होंने रोस्तोव पे कब्जा कर लिया या रोस्तोव की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया, ये रूस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या इसके साथ मैं जो देख रहा हूँ वो ये भी हो सकती है कि यूक्रेनियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस या तो बाई एयर या तो बाई सी इनके पास कहीं ज्वाइन ना कर जाएं। इसलिए मैं यही सोचता हूं कि पुतिन अगर पर्सनली इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और सरगेई शोइगु को सैक नहीं करते, तो क्या राठौर सर आप ये कह रहे हैं कि जो डिफेंस लाइन थी वो पीछे खिसक गई है? वहां पर आपके रियर में इतना बड़ा विद्रोह हो गया है तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्रीमिया अपने आप कट गया, आपको जितना भी आना है, अगर इन्होंने कायदे से काउंटर ऑफेंसिव चलाया तो मैं कह रहा हूं कि इन्हें क्या नाम है मारियोपोल पहुंचने में। सुधाकर सर एक बात बताइए, जिस तरीके से हम रोस्तोव में देख रहे हैं वैगनर लड़ाकों का मूवमेंट, वो टैंक से लगातार उतर रहे हैं और हथियार उनके हाथ में, क्या हम ये मानकर चले कि अब रोस्तोव पर उनका कब्जा हो चुका है? इस सवाल का जवाब सर मैं आपसे लूंगी एक ब्रेकिंग के बाद। वैगनर श्री प्रिगोजिन ने एक बड़ा बयान दिया है, वो कहते हैं कि वो हमें खत्म नहीं कर सकते। प्रिगोजिन ने कहा है कि हम रूसी लोगों के लिए मर रहे हैं। तो देखिए प्रिगोजिन, वैगनर चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि रूस की सेना हमें खत्म नहीं कर सकती है क्योंकि हम रूस के लोगों के लिए ही मर रहे हैं, उनके लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रिगोजिन लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। सुधाकर सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, रोस्तोव पर जो मूवमेंट है उससे क्या समझ आ रहा है, क्या वैगनर ग्रुप ने यहाँ कब्जा कर लिया? और दूसरा जो राठौर सर ने बताया, क्या पुतिन अभी भी शांत कर सकते हैं प्रिगोजिन को, मना सकते हैं? उनका इंटरफेरेंस अब बहुत जरूरी हो गया है। अंजलि, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि लड़ाई की जो मिलिट्री वॉरफेयर होता है इसमें काफी उत्थान पतन चलते रहता है, कभी जीत कभी हार, लेकिन ये जो एक किस्म एक रिवर्सल हुआ है ये बड़ा जबरदस्त रिवर्सल रशिया के खिलाफ। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यूटिन एक काफ़ी सीजन्ड लीडर है, मिलिट्री लीडर, और उनको इसके बारे में जानकारी है। इनका रास्ता वॉगनर ग्रुप का लीडरशिप और प्यूटिन के बीच में ये रिश्ता बड़ा पुराना रिश्ता है, तो मेरे ख्याल से इस किस्म की कोई मोड़ अगर लेता है इनके पास जरूर उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है पक्का कंट्रैक्ट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके इसको किसी भी तरह काबू में लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो प्यूटिन के पास एक ही ऑप्शन है कि ये रुस्तम में जो ये बिल्डअप हो रहा है फोर्सेस का वॉगनर ग्रुप का, इसकी काउंटर मूव या रोकने की प्रयास जरूर करेंगे उसको रोकने। लेकिन वही बात है ना कि सर इस प्रयास में कितना विनाश होगा ये बहुत कुछ तय कर देगा।
अगर यहां पर लड़ाई लंबी चली गई प्रिगोजिन के प्राइवेट आर्मी के साथ, तो ये अपने आप रूस के लिए एक नुकसान की बात होगी। और देखिए खबर आ रही है कि रोस्तोव में एंट्री जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये हम आपको जो मार्ग है वो भी हम दिखा रहे हैं कि रूस की जो सड़कें हैं वहां पर कैसे ये ब्लॉकेट बनता जा रहा है। वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के खिलाफ जो विद्रोह किया है उसमें रोस्तोव शहर जो है अब धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन बनता जा रहा है, बैटल ग्राउंड की तरह कन्वर्ट होता जा रहा है। उसमें रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। हमारे पास जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें सेना का मूवमेंट नजर आ रहा है। सुमित, ये जो एक इनिशियल इमेज दिखाई दे रही है ये साफ दिखा रहा है कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि रोस्तोव वो पड़ाव है जहाँ से ये इनका मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो रसद हो, मिलिट्री अटैचेज हो, बड़े अफसर हो, वो यहीं से अलग अलग इलाकों की तरफ मूव करते हैं। और अभी महत्वपूर्ण ये है कि अगर रोस्तोव में उलझ के रह गए, देखिए अपडेट देखिए, 30,000 वैगनर लड़ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ लड़कर रह गए तो फिर मूवमेंट क्रीमिया के लिए, इसके अलावा डॉनबास के लिए, इन इलाकों में मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लेम भी कर दिया कि बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल है, रोस्तोव में कब्जा है। इसमें ये भी बात समझने की है कि क्या रोस्तोव अगला डॉनबास तो बनता जा रहा है, क्योंकि डॉनबास में भी इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे 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 वहां पर लड़ाई आज भी जारी है। तो ये कोशिश की जा रही है कि रोस्तोव में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को पैदा किया जाए ताकि रशियन आर्मी को भी दिक्कत हो। और एक चीज जो दिलचस्प नजर आ रही है कि पूरा अर्बन इलाका है, तो इसकी लड़ाई हमेशा अर्बन इलाकों की बहुत लंबी चलती है, ये हमने देखा है, आसान नहीं होता है। और अर्बन एरियाज में लड़ने में वैगनर लड़ाके काफी एक्सपर्ट है, हमने बाखमुट में ये एग्जांपल देखा। और देखिए रोस्तोव में इससे जो जानकारी सामने आ रही है वो यही आ रही है बार बार कि वहां पर एंट्री ब्लॉक्स हो रही है, वहां पर रास्ते बंद किए जा रहे हैं, वैगनर के मिलिट्री ट्रक रोकने की यहां पर कोशिश की गई, जिसके बाद से ये स्थितियां बदलती चली गई। क्रेमलिन के ऑर्डर पर यह रास्ता ब्लॉक किया, यानी कि रोस्तोव में प्रिगोजिन की जो आर्मी है, वैगनर ग्रुप, उनके मूवमेंट को रोक दिया गया और ये एक टेंशन पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ये साफ बता रहा है, ये बताने के लिए काफी है ये तस्वीरें कि किस तरीके से रोस्तोव में टेंशन जो है लगातार बिल्ड हो रहा है और ये तनाव आगे जाकर कितने बड़े युद्ध में परिवर्तित होगा, यही चिंता इस वक्त सबसे ज्यादा होगी पुतिन की। क्योंकि अगर रोस्तोव में लड़ाई शुरू हो गई, ये लड़ाई लंबी चली गई, तो फिर एक अलग स्थिति होगी, क्योंकि रूस के शहर में अंदरूनी लड़ाई ये शायद पहली बार दुनिया देखेगी बहुत लंबे अरसे के बाद कि शहर के अंदर एक बैटल ग्राउंड बन गया है। और हमारे साथ सुधाकर सर जुड़े हुए हैं। सुधाकर सर, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, अर्बन बैटल जो है उसमें प्रिगोजिन की आर्मी काफी एक्सपर्ट है, बाखमुट में हमने देखा है, रूस की सेना के लिए तो यह लंबी लड़ाई हो जाएगी अगर लड़ाई हुई तो। वो बिल्कुल सही कह रहे हो रवि, क्योंकि रूस की जो फोर्सेस हैं, इनका जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, इनका जो पार्शियल मोबिलाइजेशन हुआ था, 3 लाख के करीब जुड़े हुए हैं दो दो अलग अलग हिस्से में, 80,000 पहले, उसके बाद नए नए असाइनमेंट कंसाइनमेंट के मुताबिक आए थे, ये सारे 2 साल से 2.5 साल का इनके पास तजुर्बा नहीं है, ये न्यू सोल्जर्स है। इनका अर्बन वॉरफेयर एक काफी साइंटिफिक और बहुत ही प्रोफेशनल ये कॉम्बैट होता है। इसमें वैगनर ग्रुप का काफी एक्सपीरियंस, ना केवल रशिया के अंदर बल्कि अफ्रीका में भी काफी उनका एक्सपीरियंस है, तो इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा। तो रशिया के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आइदर उनको ब्लॉक करके अंदर ना आने दे, जो कि मेरे अंदाज से ये सफल नहीं होंगे। अगर ये अंदर आ जाते हैं तो मान के चलिए कि मस्को की तरफ जो रास्ता है खुल जाएगा, इसके बाद मेरे ख्याल से तकरीबन 1,000 या 1,100 किलोमीटर दूर है, और बीच में इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, सिर्फ एरियल सपोर्ट या ड्रोन के जरिए से इनको बर्बाद किया जा सकता है। बैक टू यू रवि। ठीक है सर, ये आपका एनालिसिस है। देखिए हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रूस में काफी समय रहे हैं और खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे, वॉर जोन में गए थे, वहां से कई रिपोर्ट्स हमने मनीष की देखी है। लेकिन मनीष ये बताइए, जैसा हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि नेगोशिएट जरूर किया जा रहा होगा पुतिन की ओर से प्रिगोजिन के पास, अगर ऐसा है तो फिर प्रिगोजिन बार बार बयान क्यों दे रहे हैं, ऐसे अग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं है, मरने को तैयार है, ये लड़ाई तो हम रूस के लिए लड़ रहे हैं, क्या समझे इससे? बिल्कुल अंजलि, देखिए वैगनर चीफ प्रिगोजिन की बात करें तो अर्श से फर्श तक का सफर उन्होंने तय किया है, बाखमुत के हीरो रहे हैं, सोलेदार के हीरो रहे हैं। ठीक है, आपके पीछे देखिए, इस वक्त देखिए पिक्चर्स आ रही हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं
जहां पर रूसी सेना देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है पोजीशन ले लिया अपने रीजनल हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है सबसे बड़ी खबर यह है कि रोस्तोव शहर में प्रिगोजिन के लड़ाके मौजूद हैं, वैगनर के लड़ाके इस वक्त रोस्तोव शहर के अंदर मौजूद हैं और उन्हें आशंका है कि वैगनर के लड़ाके कभी भी इस बिल्डिंग में आकर कब्जा कर नहीं, ये तो देखिए ना, आप सोचिए ये ब्लॉक तैयार किया गया है, यहाँ पर पोजीशन ले रखी है, पीछे हमें दिख रहा है, आप टैंक देख रहे हैं, यहाँ पर रूसी आर्मी की पोजीशन देख रहे हैं, इन सबका रीजन ये है क्योंकि सामने जो बिल्डिंग है इसमें रूसी सेना का मुख्यालय है और अगर आप सोचिए कि वैगनर आकर इस सेना के मुख्यालय पर कब्जा कर ले तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बेइज्जती होगी शोइगु की, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि अपने मुख्यालय को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि उस मुख्यालय को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कहीं से भी कोई आ सकता है। देखिए हालत यह है कि क्योंकि वर्दी एक जैसी है, काफी कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पाएंगे कि असली रूसी सेना कौन है, वैगनर कौन है, बहुत कम डिफरेंस है। मनीष इसी का फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के अंदर मिक्स होकर अटैक को ज्यादा बढ़ाया जाए रोस्तोव इलाके के अंदर।